जय जवान, जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। ऐसे आप सब आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। अभी फ़िलहाल में हम आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, छिबरा मुँह कोल्ड स्टोर ओपन हुए हैं और छिबरा मुँह का ये कोल्ड स्टोर रशीद कोल्ड स्टोर है। तो चलिए चलते हैं रशीद कोल्ड स्टोर के अंदर और जानते हैं पूरा का पूरा स्थिति क्या है। हाँ, आपका रशीद कोल्ड स्टोर जो कि छिबरा मुँह में पड़ता है और यहाँ पे लगभग 2-3 दिन से निकासी प्रारंभ है और मैं आज यहाँ पे अंदर चल रहा हूँ और देख रहा हूँ अभी तक जो है कितना आलू निकला है और क्या रेट में निकला है। ये रहा रशीद कोल्ड स्टोर। अभी अंदर चल के ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि आलू जो निकासी हुआ है वो क्या रेट में हुआ है, अब क्या कंटिन्यू निकासी होने लगी या नहीं होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल तसल्लीपूर्वक हम लोग बातचीत करेंगे और थोड़ा ये भी समझेंगे आलू के दाम पे जो अच्छा खासा उछाल आ रहा है, बराबर कंटिन्यू आता रहेगा, घटेगा आगे चल के, अब बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बरामदे के अंदर और जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आलू निकला है वो कौन सा है और क्या रेट में निकला है। वीडियो पसंद आए दूसरे बहन को शेयर जरूर करना, चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का रोज़ाना का अपडेट लाते रहते हैं। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी आलू निकासी नहीं हुआ है, एक गेट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर की, इधर हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ आलू निकले पड़े हुए हैं। तो ये आलू देखिएगा, ये आलू जो है आज ही निकाला गया है, ये देखो बिल्कुल भींजा है, ठीक है, ये बिल्कुल आज ही निकाला गया, मतलब सुबह इसकी कटाई हुई है, कोल्ड से बाहर ये आलू निकाले गए हैं और ये हाईब्रिड आलू है, सफ़ेद आलू, ठीक है, ये बिल्कुल आज आलू निकाला गया है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं अभी गीला है और ऊपर से अगर आप देखोगे लगेगा कि भाई 2-3 दिन का पड़ा हुआ, लेकिन ये देखो कोल्ड के अंदर से ही निकाला गया है। अब क्या है कि अभी और भी देख लेते हैं पहले कितना आलू काटा गया है, ये सारी चीज़ें आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग भाव की और इन सारी चीज़ों की जो भी है चर्चा करेंगे। पहले आलू आपको दिखा देते हैं कि कितना कटा पड़ा हुआ है, मतलब कई गाड़ी होगा, समथिंग एक गाड़ी या दो गाड़ी या तीन गाड़ी। तो ये देखो आप लोग, ये बिल्कुल कटा पड़ा, ये भी बिल्कुल गीला आज का ही है, मतलब हमें लग रहा है कि ये जितनी भी 2-3 लाटें होंगी ये जो है अभी मुझे इस कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब ने बताया है कि यहाँ पे लगभग 2-3 दिन पहले इस आलू की बिक्री हुई थी। बताते हैं कि जो भी आलू ये निकाला गया था, मतलब आज निकला ज़रूर है, आज दिनांक आपका लगभग कितना है अभी जस्ट क्लियर कर लेता हूँ, 6 मई 2022 है, दिन शुक्रवार है। बताते हैं कि यहाँ पे कल भी आलू की निकासी हुई थी, कल भी आलू तुरंत निकला, तुरंत बिका था, मतलब ये आलू किसी व्यापारी भाई का नहीं, किसान भाई का है। अब छिबरा मुँह को थोड़ा आपको अपडेट कर दूँ, छिबरा मुँह क्षेत्र का क्या है कि छिबरा मुँह में लगभग सभी कोल्ड स्टोरों से जो भी है इक्का दुक्का करके आलू की निकासी प्रारंभ हो गई, क्योंकि जैसे जैसे करके आलू का जो डंप का काम है वो समाप्त होता जा रहा है और आलू की निकासी भी प्रारंभ होती जा रही है। अब छिबरा मुँह मंडी में इस समय ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गाड़ियाँ आमदनी हो रही हैं, आमदनी कम होने की वजह से आलू का दाम बढ़ रहा है, आलू की डिमांड बहुत अच्छी है सभी जगह। अब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि आलू का जो डेली दाम बढ़ रहा है ये क्या कंटिन्यू बढ़ता रहेगा या घट भी जाएगा, सोच रहे हैं इसी मतलब पीरियड में आलू को निकाल दें या अदरवाइज में देख लूं। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप अपने हिसाब से, आपको लगे सही कि हमारे हिसाब से अभी ये समय सही है, अभी समय कोई ख़राब नहीं है, सही चल रहा है, दाम बढ़ने की बात करते आए हैं और करते रहेंगे, आलू का दाम हमने कहा है कि बढ़ता रहेगा और अच्छा रहेगा, लेकिन इसका भी कुछ रीज़न होता है, वो लोग आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हो। छिबरा मुँह मंडी में आज आलू की बिक्री जो है आपकी 550 रुपये से लेकर और 650 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से हुई थी और एक्स्ट्रा सुपर आलू जो था वो 680 रुपये प्रति कट्टा तक भी बिका हुआ था छिबरा मुँह की मंडी में। अब क्या है कि ये आलू का जो बिक्री हुआ है ये आलू 2-3 दिन पहले बिका हुआ था, 550 रुपये में कुछ करके बिका था, लेकिन इसमें आपको कोल्ड भाड़ा प्लस करके तो भाई आपको पड़ेगा जाके ये लगभग 650 रुपये प्लस भी हो जाएगा, मतलब ये 600 से 650 मतलब 650 रुपये में ये व्यापारी भाई ने आलू को ख़रीद लिया 2-3 दिन पहले, मतलब 650 रुपये में इस आलू को व्यापारी भाई ने ख़रीद लिया है।
अब इसको कहीं सूखा लोड करना है तो इसको अभी कटाई हो गई है, ये सूख जाएगा तो बाहर के लिए लोडिंग कर दी जाएगी। अब यहाँ के कोल्ड स्टोर की अगर बात करें, हम छिबरा मुचौत में कोल्ड स्टोर ओपन हो चुके हैं। कोल्ड स्टोरों से जो भाव है, यहीं नहीं लगभग फरकाबाद में भी 600 से लेकर 650 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से अभी तक चल रहा था, लेकिन अब दिन पे दिन आलू में आ रहा है उछाल, दो तीन दिन लगातार उछाल ही आ रहा है। और ये कितने कट्टे निकाले गए भैया, कितने कट्टे आज निकाले गए थे? एक सौ 28, 82 और 25, 341 पैकेट। अच्छा भैया, आपका थोड़ा परिचय, आप क्या नाम आपका? आप यहाँ पे मतलब मुनीम जी हैं। अच्छा, जैसे कि कल निकला था जो आलू, वो क्या रेट में निकला? कल या परसों, वो स्वयं व्यापारी का था, किस रेट में? वो उसी का था, उसमें कोई रहते नहीं था, उसमें खुद। अच्छा अच्छा, ये वाला क्या रेट में? 500 रुपये बचत किसान को मिलेगी। और कोल्ड वाला लगभग 122 रुपये है भाई, लगभग व्यापारी को 600 से लेके 650 रुपये तक पड़ेगा सारा लोडिंग वोडिंग करके। हाँ हाँ, तो अब कल भी क्या निकलेगा? कंटिन्यू निकाई शुरू हो गई अब। हाँ हाँ, तो अब एक दो किसान आते होंगे ना कि मेरा भी बिकवा दो। अच्छा अच्छा, कम आते हैं तो किसान आए नहीं रहे, डिमांड तो आलू की है ऐसी मानो। लेकिन हम किसान भाइयों से एक अपडेट करना चाहते हैं, एक जानकारी देना चाहते हैं। किसान भाइयों, दाम अच्छा मिले तो अपना आलू थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो, किसी के बहकावे किसी के लालच में ना आओ। क्योंकि अब तो लोग दावा भी करेंगे कि महंगाई की बात मैं करता आया था, लेकिन कोई कभी महंगाई की या सस्ताई की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आलू है, कभी भी बिक सकता है और कभी भी फिक सकता है। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रशीद कोल्ड स्टोर के जो मैनेजर सर जी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे छिबरा मऊ क्षेत्र के जो भी कोल्ड स्टोर की पोजीशन है वो क्या है छिबरा मऊ क्षेत्र में। लगभग छिबरा मऊ क्षेत्र में कोल्ड कितने, कब और कैसे कैसे खुल गए हैं और क्या क्या रेट में आलू की बिक्री हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे उनसे, इस कोल्ड स्टोर के जो मैनेजर सर जी हैं उनसे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और